जनपद पौड़ी सहित प्रदेश भर में लगातार लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो कि एक चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। इसी को लेकर भूवैज्ञानिक रवि नेगी ने बताया कि ई एल नीनो यानी कि अब हवा का दबाव बहुत अधिक एक क्षेत्र विशेष में पड़ जाता है, जिसके कारण उस क्षेत्र विशेष में लैंडस्लाइड की घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं और वेस्टर्न हार्ट से चलने वाली हवा से ये दबाव बनता है, जिसके कारण मॉनसून एक ही जगह में ज्यादा बरसता है और इससे ये घटनाएं अधिक देखने को मिल रही है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाओं में कमी लाने के लिए डॉपलर रडार भी जनपद में स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि इन घटनाओं को और कम किया जा सके। पौड़ी से मुकेश भचेती की रिपोर्ट। देखिए, लैंडस्लाइड की घटनाएं हमारे जनपद में अगर हम देखें तो नदी कटान से नहीं है, बशर्ते इस बार ऐसा मौसम हमने पूर्व से बोल कराया था कि हमारे एल नीनो इफेक्ट की वजह से सामान्य से अधिक वर्षा होगी, जिस कारण हमारे यहाँ पर लो प्रेशर जोन की वजह से काफ़ी सारे बादल फटे हैं। क्लाउड बस्टिंग की वजह से, हैवी रेन की वजह से हमारे लैंडस्लाइड जनरेट हुए हैं। कई सारे लैंडस्लाइड, जैसे आमसोड़ का एग्जांपल हम लेते हैं, ये भी इनमें से एक है। टहरी घनसाली के एरिया में, बूढ़ा केदार में काफ़ी सारे क्लाउड बस्टिंग हुए, लैंडस्लाइड जनरेट हुए हैं। मुख्य कारण इनका क्लाउड बस्टिंग। सर, इनको रोकने के लिए कुछ कार्य किए जाएंगे? देखिए, रोकने के लिए हम लोग दैवीय आपदा में या मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाने के बाद में पहले से हम कोशिश कर सकते हैं कि जो सेंसिटिव एरियाज ऐसे आ रहे हैं निकल के रेड जोन के, या कहीं पर हमें पता चलता है कि रेड अलर्ट जारी हुआ है, तो उनके लोगों को पहले से वहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए कई सारी और नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं कि नए डॉपलर रडार हमारे यहाँ लेसनॉर में भी इंस्टॉल्ड हुआ है, उस पर भी हम लोग अब जानकारियाँ प्राप्त करेंगे आने वाले समय में। और इसमें कोशिश की जा रही है कि पहले से जो लैंडस्लाइड एक्टिवेटेड हैं उस एरिया को भी इसको प्रोन मानते हुए उसकी भी एक डेटा तैयार की जा रही है। ठीक है।